कृषि विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी एसपी सिंह ने आज अजमेर के उपनिदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ टिड्डी नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद एसपी सिंह ने आवाज रासन की को बताया कि अजमेर जिले में 102 गांवों में टिड्डी दल का प्रकोप रहा। जिले में 10 से 12 बार टिड्डी दल का प्रवेश हुआ। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में कृषि विभाग द्वारा समय समय पर टिड्डी नियंत्रण करने को लेकर ऑपरेशन चलाया गया। टिड्डी नियंत्रण को लेकर अजमेर जिले में अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे फसलों को कम नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि टिड्डी नियंत्रण को लेकर अजमेर में किसानों को जागरूक करने को लेकर भी गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषि विस्तार कार्यालय में टिड्डी नियंत्रण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उपनिदेशक वीके शर्मा ने अजमेर जिले में टिड्डियों के प्रवेश एवं बचाव को लेकर चलाए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पिछले अप्रैल महीने से ही राजस्थान के अधिकतर जिलों में पश्चिम की तरफ से वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो लोकस्ट के लगातार जो स्वाम्स आते जा रहे हैं और हवाओं के साथ और अलग अलग जो उसके जिस अवस्था की वो टिड्डी है उसके अनुसार वो आगे से आगे मूवमेंट कर रही है, तो राजस्थान के एक बांसवाड़ा डूंगरपुर के एरिया को छोड़ के सभी जिलों में टिड्डी आक्रमण हो चुके हैं। वर्तमान में पश्चिमी जो राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा है, उत्तरी और मध्य राजस्थान में भी है, अजमेर में भी अभी 20 जुलाई को भी टिड्डी आक्रमण हुआ है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य स्तर से सीनियर ऑफिसर्स हम लोग हर जिले में जो वहाँ की तैयारी है, वहाँ की जो टिड्डी से नियंत्रण का जो मैकेनिज्म और उनकी प्रिपेयर्डनेस और उनका जो क्रियान्वयन है उसकी हम समीक्षा करें, और जिलों को अगर कोई समस्या आ रही हो, अगर कोई उनको समाधान किसी व्यवस्था से संबंधित बात में उनको अगर चाहिए, किसी प्रक्रिया का सरलीकरण चाहिए, अतिरिक्त संसाधन चाहिए, तो हम इसी पर्यवेक्षण में और हम इसी जो अलग अलग जिलों में जो अधिकारी जा रहे हैं उसमें हम समाधान भी कर रहे हैं। मैं कल जोधपुर था, वहाँ पे जो टिड्डी आक्रमण के नाइट ऑपरेशंस भी मैंने देखे, और जोधपुर क्योंकि बाड़मेर और जोधपुर जो पहला जो टिड्डी दल जो आता है इस देश में वो इन्हीं जिलों के थ्रू प्रवेश कर रहा है, तो उसी सीरीज़ में जोधपुर की तैयारी सारी समीक्षा करी। आज मैं अजमेर का कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वर्तमान में कोई टिड्डी दल नहीं है, तो सारे जो कृषि विभाग के तहसील स्तर के और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तैयारी की समीक्षा की और मुझे बताया गया कि ज़िले में अब तक 102 गांव में टिड्डी आक्रमण हुआ है और 10 मई के बाद अभी 20 जुलाई तक इसमें करीब 10-12 टिड्डी दल आए हैं। इसमें जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स जो किसानों के हैं उनकी सहायता से और जो जो फायर टेंडर्स हैं उनकी सहायता से और भी जो हमारे जो तमाम जो लोकस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो व्हीकल्स हैं उनसे माइक्रोनेट स्प्रेयर्स उनसे अच्छा कंट्रोल किया है और अब तक करीब 6000 हेक्टेयर के आसपास ने इसमें हमने कंट्रोल ऑपरेशन चलाए हैं। 12-13 सभी तहसीलों में टिड्डी आक्रमण हो चुका है, कहीं ज़्यादा हुआ है कहीं कम हुआ है, और करीब 3000 लीटर से ज़्यादा जो केमिकल है वो हमने काम में लिया। अभी वर्तमान की जो जलवायु की और हम जुलाई के जो तीसरे सप्ताह में हैं अभी, तो उसमें जो टिड्डी आक्रमण की जो वर्तमान में जिस अवस्था की आ रही हैं उसके हिसाब से क्या ध्यान रखना चाहिए, अगली जनरेशन जो ब्रीडिंग की भी बहुत संभावना ज़्यादा रहती है, इस वक्त की जो टिड्डी है वो पीले रंग की टिड्डी वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए ज़्यादा होती है, वो फसलों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचाती, ज़्यादा उड़ती भी नहीं है और उसका खाने का भी जो है ज़्यादा उसकी प्राथमिकता ब्रीडिंग की रहती है, तो उसके हिसाब से जो अगर हमें कोई इस तरह का दल आता है तो उसको अगली जनरेशन जो उसकी संतति ब्रीडिंग को कैसे रोके, और अगर एग लेइंग हुई है तो उसको प्रभावी रूप से हम उसको अगली जनरेशन को उसमें एग लेइंग में हॉपर नियंत्रण कैसे करें ये हमने रखा है, और भी अगर कोई जिस तरह की जो भी स्थिति होगी आगे वो हम वैसे ही मुस्तैद हैं, जिला भी मुस्तैद है और राज्य सरकार के स्तर पे इस बार पिछले साल में क्योंकि कुछ रबी टाइम में रबी फसल में 4-5 जिलों में नुकसान ज़्यादा हुआ था, तो हमने समय रहते हमारी पूरी कार्य योजना को जनवरी महीने से ही हमने उसका रिव्यू किया और हमारे संसाधनों को और हमारी योजनाओं को हमने कई गुना ज़्यादा बढ़ाया ताकि हम
टिड्डी के नियंत्रण के लिए और सफलतम रूप से हम कर सकें। भारत सरकार के भी प्रयास इसमें हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर ड्रोन ये भी इस बार एम्प्लॉय किए हुए हैं, और जहाँ जैसी जो स्थिति है उसके अनुसार हम उस नियंत्रण का जो सबसे अच्छा तरीका है वो हम प्रयोग में लें, काम में लें, जिससे कि अधिकतम हम मार सकें, यही हमारा उद्देश्य है। राजस्थान में अब तक जो नुकसान हुआ है टिड्डी दल से, कौन कौन सी ऐसी फसलें, कितना नुकसान हुआ? अभी जो शुरुआती अवस्था में, क्योंकि खरीफ की फसलों में शुरू की बुआई मूंगफली और कपास की बुआई ज़्यादा हुई थी मई महीने में, और मई महीने में जो एडल्ट टिड्डी, वेस्ट टिड्डी नहीं थी बल्कि अपरिपक्व वाली टिड्डी थी जो नुकसान ज़्यादा करती है और वो उड़ती भी ज़्यादा है, तो कुछ ज़िलों में इन फसलों में, कपास और मूंगफली की फसलों में शुरुआत में वहाँ कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ। उसके बाद जहाँ की बुआई अलग अलग समय के साथ, अलग बाजरे की भी बुआई हुई, मूंग मोठ की भी बुआई हुई, तो नुकसान की स्थिति कोई बहुत चिंताजनक नहीं है। और ग्रामीणों को, हम लोग किसानों को जो टिड्डी से के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बता के प्रशिक्षण दे के, हम प्रयास ये करते हैं कि उनको हम यही आह्वान करते हैं कि दिन के समय किसी न किसी तरीके से आप साउंड से और किसी तरीके से अपने खेत में टिड्डी को सेटल ना होने दें, आगे उसको मूव करवा दें। इसी तरह से मूव करवाने से वो रात में जो ऑपरेशंस हैं वही हम लोग काम में ले सकते हैं, क्योंकि दिन के समय टिड्डी बहुत फास्ट फ्लायर होती है तो बहुत मुश्किल रहता है, उड़ती भी ऊंची है, रात के समय जहां वो रुकती है वहीं उसका प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, और वहीं हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हैं ताकि अगले दिन के बाद वो टिड्डी दल उसमें 70% 80% 90% की संख्या में कमी आ जाए। हेलीकॉप्टर का जिस तरह से प्रयोग हुआ है, ड्रोन कई बार हुआ कि सफल नहीं हो पाया है, तो क्या इस तरह ड्रोन का एक लिमिटेशन है, ड्रोन का हमने अभी यूज़ भी किया है इन दो महीनों में, कई जिलों में ड्रोन का उपयोग किया गया है। ड्रोन का विशेष रूप से उपयोग सबसे अच्छा तब रहता है कि जब और आप कोई प्रयोग काम में ना ले सको, पहाड़ी पे बैठ गई, ऊंचे टीले पे बैठ गई, ट्रैक्टर स्प्रेड जा नहीं सकता, फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती, पथरीली जगह है, पहाड़ी एरिया है, तो ऐसी जगह पे जहाँ और कोई साधन नहीं जा सकता, बहुत ऊंचा अगर स्थान है, बहुत ऊंचा पेड़ है, तो ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, और वहाँ उस कंडीशन में जब हम और कुछ नहीं जा सकते तो वहाँ ड्रोन से हमने अगर 60% रिजल्ट लिए हैं मोर्टलिटी के तो बहुत अच्छी बात है। अजमेर में नियंत्रण किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या संतुष्ट? हाँ, अजमेर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, और जो भी पश्चिम दिशा से जो टिड्डी दल आए हैं, जो आगे पूरब की तरफ गए हैं, उनको हमने समय रहते यहाँ पे रात में मारा है ताकि आगे के ज़िले, वहाँ के किसान इससे नुकसान से बच सकें। और अब भी कुछ ज़िलों में जो बची हुई टिड्डी वापस जो इंडो पाक बॉर्डर की तरफ जा रही है, जो बिल्कुल वेस्ट टिड्डी है, उनमें से भी हवाओं के साथ जो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, इसके साथ साथ अगर हमारी तरफ इधर करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक की तरफ से भी कोई दल वापस पश्चिम की तरफ जाने वाला अगर आता है तो हम बिल्कुल मुस्तैदी से और पूरी मजबूती से उसको किसी ज़िले में 100% उसको एलिमिनेट करेंगे। ये हमारे सारे ज़िलों की इच्छा शक्ति है, ये कमिटमेंट है, अजमेर का भी कमिटमेंट इस पर पूरा कंप्लीट है, और हमने इस कमिटमेंट पे अजमेर ज़िले में भी अब तक काम वैसा ही किया, आगे भी हम वैसे ही करें।